फाइनली यहाँ पे उद्यम योजना का जो फाइनल लिस्ट है उसको यहाँ पे जारी कर दिया गया है। आप में से काफी सारे लोग का जो है सिलेक्शन हुआ था, प्रोविजनल लिस्ट में नाम आया था, उसमें से डॉक्यूमेंट जो सत्यापन होता है, मैंने आपको बताया था कि आपका जो डॉक्यूमेंट है ना वो मुख्यालय स्तर पर जो है सत्यापन किया जाएगा, और जिनका भी डॉक्यूमेंट सही होगा उनका जो लिस्ट है ना वो फाइनल लिस्ट में जारी कर दिया जाएगा। तो अभी जो है लिस्ट आ गया है, लिस्ट आप चेक कर भी लिए होंगे या फिर बता देंगे कैसे आप कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। लेकिन अब यहाँ पे जिनका फाइनल लिस्ट में नाम आ गया है उनको क्या करना है ये पता होनी चाहिए, और साथ ही साथ जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उनको भी यहाँ पे मौका मिलने वाला है, उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। लिस्ट में नाम चेक करने के लिए सबसे पहले easy2net.com सर्च करना है। फर्स्ट में easy2net.com का ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिलेगा जिसको ओपन करना है। यहाँ पे देखेंगे सरकारी योजना का जो एक सेक्शन आपको देखने को मिलेगा, जिसमें देखेंगे फाइनल लिस्ट सिलेक्शन का जो यहाँ पे लिंक है आपको देखने को मिलेगा। इस पर क्लिक करेंगे तो सभी जानकारी को भी पढ़ सकते हैं। नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे जो भी सिलेक्शन लिस्ट है जो कि फाइनल यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है उसका यहाँ पे लिंक आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले अगर आपने एसी एसटी कैटेगरी से फॉर्म को फिलअप किया था तो उसका लिंक यहाँ पे है जिसके माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने ईबीसी कैटेगरी से फॉर्म को फिलअप किया था तो उसका लिंक यहाँ पे है। युवा और महिला के लिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, और जो माइनॉरिटी कम्युनिटी से फॉर्म को फिलअप किए थे उनका यहाँ पे लिंक देखने को मिलेगा। तो जिस भी आपने कैटेगरी से फॉर्म को फिलअप किया था, जिस भी स्कीम के तहत फॉर्म को फिलअप किया था, उसके सामने आपको जो एक लिंक मिलेगा डाउनलोड करें, इस पर आपको क्लिक करना है। तो देखेंगे जो भी आपका फाइनल लिस्ट है यहाँ पे देखेंगे तो मेंशन किया गया है फाइनल लिस्ट, जो भी सिलेक्ट हो गए हैं जिनको अब बेनिफिट दिया जाएगा। आप सभी को पता ही है कि इससे पहले जो प्रोविजनल में सिलेक्शन लिस्ट जारी किया गया था, इसको आप डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे इसमें साफ साफ लिखा गया था कि आपका जो है प्रोविजनल लिस्ट है, क्योंकि ये जो है रेंडमली यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया गया था। लेकिन इसके बाद जो है डॉक्यूमेंट को सत्यापन किया गया है, उसके बाद जिनका डॉक्यूमेंट सही पाया गया है उनका जो है फाइनल लिस्ट यहाँ पे जारी किया गया है, ठीक है। तो इस लिस्ट में अपना नाम जरूर चेक कर लेंगे। लिस्ट में नाम चेक करना बेहद आसान है, Ctrl+F करेंगे और आप अपना नाम या फिर अपना जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है उसके माध्यम से लिस्ट में नाम चेक कर सकते हैं, ठीक है। लिस्ट में नाम आने के बाद क्या करना है ये महत्वपूर्ण जानकारी है, ठीक है। बताते हैं कि अगर आपका लिस्ट में नाम आ गया है तो आपको क्या करना है। देखेंगे तो यहीं पे इनका जो है ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मिलेगा, जिस पे क्लिक करेंगे तो इनके ऑफिशियल पोर्टल पे आप आ जाएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा आपको नीचे आना है। मुख्यमंत्री उद्यम योजना का जो भी योजना के बारे में PDF है वो डाउनलोड यहाँ से कर लेना है, क्योंकि यहीं से जो है सभी जानकारी क्लियर हो पाएगा, ठीक है। तो नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे जो भी इनका सिलेक्शन प्रक्रिया है, जैसे कि आप सभी को पता ही है कंप्यूटर के माध्यम से इनका सिलेक्शन हुआ है, और सिलेक्शन होने के बाद इन्होंने साफ साफ इसमें बताया था कि जो भी प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट जारी किया गया उसमें जो भी चयनित आवेदन है ना उनका मुख्यालय स्तर पे स्क्रूटनी की जाएगी, जो कि स्क्रूटनी कर ली गई है, और उसके बाद सही पाए जाने के बाद अंतिम रूप से जो है लिस्ट यहाँ पे जारी किया जाएगा, जो कि जारी कर दिया गया है। अब यहाँ पे क्या होगा कि अंतिम लिस्ट आपका जारी हो चुका है तो इसमें नाम आ गया है तो आपको बेनिफिट मिलेगा। अब आपने जो भी प्रोजेक्ट के लिए फॉर्म को फिलअप किया हुआ है, हालांकि लिस्ट में आप देखेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे लिस्ट आप चेक किए होंगे तो यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट का भी नाम यहाँ पे देखने को मिलेगा कि आपने जो है कौन से प्रोजेक्ट के तहत फॉर्म को फिलअप किया हुआ है, ठीक है। तो इसको जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पे देखेंगे तो जो भी आपका प्रोजेक्ट होगा उसके अनुसार आपको कितना लोन मिलेगा, उसके लिए हमने वीडियो बनाकर जानकारी दिया था। वीडियो नहीं देखे हुए तो देख लीजिएगा, या फिर यहीं पे देखेंगे तो आपको जो है प्रोजेक्ट कॉस्ट का यहाँ पे बटन मिलेगा, जिस पे क्लिक करेंगे तो कौन से प्रोजेक्ट के लिए आपने फॉर्म को फिलअप किया हुआ है उसमें जो है कितना आपका लोन सेक्शन होगा इसकी जानकारी यहाँ पे बता दी गई है, तो इसको देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ पे आपको जो है बेनिफिट मिलेगा, लेकिन उससे पहले इनके द्वारा जो है 6 दिन का जो है ट्रेनिंग आपको दी जाएगी। ट्रेनिंग जो है पटना में आपका होने वाला है, तो ट्रेनिंग की जो जानकारी है ना, आपने जो भी मोबाइल नंबर दिया हुआ है उस पर उद्योग विभाग के द्वारा जो है कॉल आएगा और आपको बताया जाएगा कि इस डेट को इस जगह आपको जो है ट्रेनिंग लेने के लिए जाना होगा, ठीक है। तो ये जो है 2 बार आपको मौका मिलता है। मान लीजिए प्रथम बार आप नहीं किसी कारण जा पाए तो आपको जो है दोबारा भी मौका मिलेगा, लेकिन दोबारा भी नहीं जाते हैं तो उसके बाद आपका जो अभ्यर्थिता है उसको रद्द कर दी जाएगी, आपको बेनिफिट नहीं दी जाएगी। तो जिनका भी सिलेक्शन हो गया है उनको जो है 6 दिन का ट्रेनिंग लेना मैंडेटरी है, उसके बाद ही उनको बेनिफिट मिलेगा। अब जैसे ही आप ट्रेनिंग यहाँ पर ले लेते हैं तो क्या होगा कि अब आपसे करेंट अकाउंट मांगे जाएंगे। इन्होंने बताया हुआ है कि प्रथम चरण के ट्रेनिंग होने के बाद जो भी आवेदक है ना उनके इकाई के नाम से चालू खाता यहाँ पे देना होगा, ठीक है, जो कि करेंट अकाउंट आप देंगे फॉर्म के नाम से, तभी जो है RTGS NEFT के माध्यम से जो पैसे हैं ना आपके खाते में ट्रांसफ़र किए जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए जो डॉक्यूमेंट वाली बात आती है ना यहीं पे फंसती है। काफ़ी सारे लोग को पता नहीं होता है कि करेंट अकाउंट ओपन करवाने के लिए मेजर जो है 4 डॉक्यूमेंट लगते हैं, ठीक है।
सबसे पहले आधार कार्ड आपको देना होगा, फिर आपका पैन कार्ड लगेगा, ये दो डॉक्यूमेंट तो आपके पास होगा ही होगा। चौथा जो डॉक्यूमेंट होता है उद्यम का रजिस्ट्रेशन होता है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे आप ऑनलाइन कर सकते हैं, बहुत सारे वीडियोज बना हुआ है यूट्यूब पर देख सकते हैं। और चौथा डॉक्यूमेंट होता है जीएसटी, जीएसटी मैंडेटरी है, क्योंकि जीएसटी आपके पास नहीं होगा तो आपका जो फॉर्म के नाम से करेंट अकाउंट है वो बैंक खोलेगा ही नहीं, ठीक है। तो चार डॉक्यूमेंट जो आपका लगने वाले हैं जिसके माध्यम से आपका जो करेंट अकाउंट है वो बैंक में खुलेगा, ठीक है। जो भी आपने बिजनेस का नाम रखा हुआ है उस नाम से ही खुलेगा। प्रोप्राइटरशिप में आप यहाँ पे उद्यम का रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा और ये अपना काम जरूर कर लीजिएगा। बाकी ट्रेनिंग लेने से पहले ही आप चाहें तो उद्यम का रजिस्ट्रेशन और जीएसटी बनवा सकते हैं। इसके लिए आप अपने आसपास में जो भी सीए हैं उनको पकड़ सकते हैं, जो कि जीएसटी और उद्यम का रजिस्ट्रेशन करके आपको दे देंगे। या फिर आप चाहते हैं कि मेरे द्वारा करवाना, तो हमने जो है एक सीए का नंबर दिया हुआ है जिनसे आप बात कर सकते हैं, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलेगा। और बहुत ही कम प्राइस में उद्यम का रजिस्ट्रेशन और जीएसटी का रजिस्ट्रेशन आप यहाँ पे करवा सकते हैं। जिनका फाइनल लिस्ट में नाम आ गया है उनको ये रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्म के नाम से करेंट अकाउंट खुलवाएंगे तो कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे ही अपना करेंट अकाउंट खुलवाकर पोर्टल पर अपलोड करेंगे तो आपको जो है 1.5 लाख रुपया प्रथम किस्त पर मिलेगा, जिसमें बिजली का कनेक्शन करवाएंगे, सेफ्टी किट खरीदेंगे और भी जो चीज़ें हैं वो खरीदेंगे, ठीक है। और देख सकते हैं कि बताया गया है कि 90 दिनों के अंदर जो है अपना जो भी उपयोगिता प्रमाण पत्र है, यानी कि आपने 1.5 लाख रुपया कहाँ खर्चा किया हुआ है, उसका जीएसटी बिल के साथ उपयोगिता प्रमाण पत्र आपको पोर्टल पे अपलोड करना होगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपका जो है देख सकते हैं कि महाप्रबंधक के स्तर पे उपयोगिता स्वीकृत होने के उपरांत लाभिकों का द्वितीय चरण में 6 दिन का जो है प्रशिक्षण कराया जाएगा, यानी कि फिर जो है दूसरा किस्त लेने के लिए भी आपको ट्रेनिंग लेना होगा, जिसमें 2 बार आपको मौका मिलेगा और उसके बाद ट्रेनिंग में भाग लेंगे, फिर आपको RTGS NEFT के माध्यम से आपका जो फॉर्म के नाम से करेंट अकाउंट है उसमें पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है फिर उसको 90 दिनों के अंदर उसका जो भी उपयोगिता प्रमाण पत्र, यानी कि आपने पैसे कहाँ खर्चा किया हुआ है, जीएसटी बिल के साथ फिर पोर्टल पर अपलोड करेंगे, तो उसके बाद फिर आपको देखेंगे तो यहाँ पे जो तीसरा किस्त है वो आपके खाते में ट्रांसफर की जाएगी। बाकी हम पैसे की वापसी की बात करें तो आपको जो है 84 किस्तों में पैसे वापस करने होते हैं। जो भी आपका सब्सिडी है, सब्सिडी के बाद जो भी पैसे बच रहे हैं वो पैसे जो है अलग अलग किस्तों में 84 किस्तों में इंस्टॉलमेंट में बांध दी जाएगी, जिसके माध्यम से प्रति महीना आपके खाते से कटेंगे या फिर उद्यमी के पोर्टल पर जाकर आपको जमा करना होगा। बाकी अगर कोई युवा उद्यमी से आता है तो उसको 1% देना होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट सालाना, बाकी किसी को कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं देने होते हैं। तो जैसे कि आपने देखा है कि मैंने जो है पूरी जानकारी आपके साथ साझा कर दिया कि अगर आपका भी फाइनल लिस्ट में नाम आ गया है तो आपको क्या करना है। बाकी जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उनको भी वेट करना है। जितने भी लोग यहाँ पे लाभ नहीं लेंगे, जितने भी लोग यहाँ पे डॉक्यूमेंट में छटे हुए हैं, उसके जगह पे जो है नए सिरे से कुछ लोगों का सिलेक्शन होगा। मान लीजिए 200-400 लोग जो भी होंगे उनके जगह पे जितने भी लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है, फिर उसमें से कंप्यूटर रैंडमाइजेशन के तहत यहाँ पे सिलेक्शन किया जाएगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, और आपके मन में कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जहां तक हमारी नॉलेज होगी आपको जानकारी देने की कोशिश की जाएगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।